कैसे सीखा? ये चेक करो पत्थर में क्या बना है, बटरफ्लाई। 50 मिनट लेट हो गया, किसकी वजह से? चाबी गुम गई। बचपन में भी, मतलब कि पिछले साल तक कभी कभी पेन गुम जाता था, वो मेरे हाथ में होता था, मैं घूमता रहता था, मतलब ढूंढता रहता था दिन भर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, मस्त स्वस्थ और सभी के दिन सही से जा रहे होंगे। आज मैं कुछ एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, 12 बजे व्लॉग स्टार्ट करूँ। खैर, तो आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक बने रहे, ठीक है। चैनल पर आए तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना, अगर मन करे तो, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको मौसम चेक कराता हूँ आज का। चलो ये चेक करो, मौसम देख रहे हो, और विजिबिलिटी चेक करो ऊपर से, पता नहीं ऐसे दिख रहा होगा या नहीं, ऐसे चेक करो। ये देखो, ना कोई एडिटिंग है ना कोई सैचुरेशन, चेक करो, लगता है एडिट करके कुछ किया है। भाई जी, मौसम काफ़ी मस्त है, घूमने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। पर घूमने से पहले घर वाले का ये ठीक करके लाओ, तो उसको ठीक करवा के लाते, 10-20 आधा घंटा भी गुजर जाएगा उधर ही, तो चलते हैं, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, क्योंकि बाइक पर तो होगा ही नहीं, क्योंकि अकेले अगर दो बंदे हो के फिर तो अच्छे से उठ जाता, पर अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, क्योंकि अकेले हूँ और गाड़ी में अच्छे से आ जाएगा। लेट्स गो। हाँ जी, 50 मिनट लेट हो गया, किसकी वजह से? चाबी गुम गई। अब रीजन क्यों, चाबी क्यों गुम गई, मैं गया था जूही, मैंने ये मशीन गाड़ी में रख ली, तो फिर मैं गया था हाथ धोने, तो वहां से आके मुझे चाबी नहीं मिल रही। आधे घंटे से बंदे ढूंढ रहे हैं, गांव के बंदे 5-10 आ गए, मतलब ढूंढ रहे, ऐसे ऐसे बोल रहे कहाँ गए, और ऊपर से मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये दूसरी चाबी है, एक पहले ही गुम गई थी और ये लास्ट वाली, ठीक है, दो होती है, एक गुम गई थी और ये। 50 मिनट के बाद मुझे पता चला, मतलब ऐसी मैं नजर पड़ी, हल्की सी नजर पड़ी, वो डिक्की पर ही रह गई थी। इतनी शर्म आ गई ना मुझे कसम से, क्या ही बताऊं आप लोगों को। खैर, जो होता है सही होगा, ऊपर वाले ने कुछ सही किया होगा इसके बारे में, तो चलते हैं, ठीक है। आधा घंटा, एक घंटा में लेट हो गया, 50 मिनट में लेट हो गया, चलो खैर क्या ही कर सकते हैं। पता नहीं रोड के साइड में कुछ काम चल रहा है, रोड खराब कर दिया उन लोगों ने, ये देखो। चलो सही है, काम हो रहा है तो कुछ ना कुछ होगा ये। भाई जी, मौसम चेक करो आज का, शॉर्टकट लिया मैंने, ये देखो कितना मस्त रोड है यहाँ से, ये चेक करो, हरियाली हरियाली आज कश्मीर में, ये चेक करो भाई लोग, क्या सीन है। और यहाँ से डराना भी रास्ता है, ये देखो कितनी गहराई है। कुछ दिनों के बाद हमें वापस कॉलेज जाना पड़ेगा यूपी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, वो सोचकर मुझे यहीं से पसीने आ रहे हैं, लिटरली वहाँ पर 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। खैर चलो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए चलते हैं, जल्दी ये छोड़ कर आते हैं, फिर नमाज पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है। नमाज का भी टाइम हो गया, क्योंकि चाय भी घूमने की वजह से मेरा एक घंटा ज़ाया हो गया, 50 मिनट एक घंटा तो सेम है, ठीक है ना। चलो हाँ जी, पहुँच गए। अरे यार, लोकेशन पर पहुँच गए, अब निकालते इसको बाहर और छोड़ कर आते हैं। नीचे तो हाँ जी, पहुंच गए लोकेशन पर, इसको छोड़ कर आते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। चलो हाँ जी, छोड़ के आ गए मैं कार्टर को, हो गए मैं हल्का हल्का फ्री, ठीक है। अब देखते हैं क्या करेंगे आगे, यहाँ से घुसना पड़ेगा क्योंकि हाँ जी काम हो गया, पर मुझे अभी भी हंसी आ रही है सच्ची में। 15 बंदे ढूंढ रहे थे चाबी को, मैं सोच रहा अगर 3-4 घंटे के बाद फिर से चाबी मिल जाती तो मेरे शर्म के मारे क्या हाल हो जाता, मुझे इतना बुरा फील हुआ ना उस टाइम। बचपन में भी, मतलब कि पिछले साल तक कभी कभी पेन गुम जाता था, वो मेरे हाथ में होता था, मैं घूमता रहता था, मतलब ढूंढता रहता था दिन भर। हाँ, आप चलते है घर और नमाज अदा करके फिर देखते है कहाँ जाते, अकेले कोई मजा नहीं है घूमने में सच्ची में यार। फोटो थोड़ा सा खींचना था, वीडियो बनाना था, पर अकेले मजा नहीं है। पहले घर चलते हैं, कोई दोस्त को उठा के लेके आते, ठीक है, और नमाज पढ़ के आते। चलो पहुंच गए श्री गफारा, अब यहाँ से आधा मिनट भी नहीं लगेगा,
आधा मिनट 30-40 सेकंड लग जाएंगे बस। हाँ जी पहुंच गए घर। चलो हाँ जी पहुंच गए घर। तो नमाज का लेट हो गया है, अब पहले नमाज पढ़ते हैं फिर चलते हैं कहीं घूमने, ठीक है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी हो गई, अब चलते हैं कहीं घूमने, थोड़ा टाइम स्पेंड करके आते हैं, ठीक है? थोड़ा सा चलो के आते हैं अब। चलो हाँ जी गाड़ी निकाल ली बाहर, अब चलते हैं कहीं मस्त सी लोकेशन पर। इनको तो आप नहीं जानते हो पर इस बंदर को तो आप लोग जानते होंगे। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। शर्म आ रहा है, पहले आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में, पर आजकल काम दिख रहा है क्योंकि मैं कहीं और होता हूँ और ये कहीं और होता है। खैर चलते हैं देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं आज। ये चेक करो गाइस, ये चेक करो क्या व्यू आ रहा है, हॉर्न भी आ रही है, क्या व्यू आ रही है और हॉर्न भी आ रही है। और ये चनार चेक करो, वाह क्या सीन है। ये चेक करो। अभी हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पर, अभी हम आए हैं कुछ इस तरीके की जगह पे, ये चेक करो। बंदे वजू कर रहे हैं, अब नमाज पढ़ेंगे पहले, असर का टाइम हो गया है, ये चेक करो। यहाँ पर चलते हैं नमाज पढ़ने पहले, रुको रुको आ रहा हूँ। क्या ये चेक करो पत्थर में क्या बना है, बटरफ्लाई, ये इसने लाया एक करिश्मा। करो ये कितना मस्त है, पता नहीं इसका क्या नाम है पर मस्त है। यहाँ पर विजिबिलिटी चेक करो, ये क्या क्या ढूंढ रहे हो भाई साहब, ये विजिबिलिटी चेक करो। टाइम आ गया जाने का तो काफी एंजॉयमेंट हो गया, तो अभी चलते हैं, ठीक है? चलो टाइम आ गया 5:30, तो 10-20 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में और फिर तैयारी की तैयारी करते हैं। चलो गाड़ी उधर है, चलो अब चलते हैं घर डायरेक्ट। कैसी शिकार बस। आज घर पे प्लांटेशन हो रही थी, 5-6 ये वाले पेड़ लगा दिए हमने, छोटे छोटे पाइन ट्री कहते हैं उनको। हाँ जी पहुंच गए घर, टाइम आ गया 6:10 और अच्छे टाइम पर आ गए, तैयारी का भी टाइम मतलब तैयारी करनी है, ठीक है? तो आज दिन भर काफ़ी एंजॉयमेंट देखने को मिला और काफ़ी मज़ा भी आया आज, एडवेंचर मतलब बहुत ज़्यादा मुझे घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो खैर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी से एक मस्त वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है? बाय बाय।